राम देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा एनआरसी। तो सुप्रीम कोर्ट एनआरसी तो मोदी जी ने कह रहा है दुनिया में सब जगह में एनआरसी लागू होना चाहिए, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट देख करेगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। मैम कुछ दिनों पहले आपको हमने त्रिपुरा माथा के साथ भी देखा था, त्रिपुरा माथा के साथ भी आपको देखा था, तो फिर अचानक ये बीजेपी त्रिपुरा माथा को मैंने बैकअप किया एडीसी इलेक्शन में। टीपीएफ एक सुशील पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, टीपीएफ कभी भी वोट खड़ा नहीं हुआ आज तक, बैकअप किया और टीपीएफ के कुछ लोग इंडिपेंडेंस खड़ा हुआ है। लेकिन आज मैंने देखा त्रिपुरा माथा को सपोर्ट करने के बाद एडीसी में बैठा, एडीसी के बैठने के बाद ग्रेटर त्रिपुरा लैंड और जो सिस्टम जो एक्टिविटीज वो त्रिपुरा का जनजाति का बात त्रिपुरा के लिए, वो सिर्फ सिक्योरिटी गारंटी का काम नहीं है, वो सिर्फ छोटा सा एक सपना है। तो इसी छोटा सा सपना में मैं जुड़ने वाला नहीं हूँ, मैं त्रिपुरा को बहुत आगे ले जाना चाहती हूँ और त्रिपुरा को बहुत स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी का जुड़ता है। त्रिपुरा कहाँ जाकर डिमांड करेगा, ये मेरा बातों से नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल का राइट है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को आप खुद पूछो, आप लोग सभी जानते हैं, आप लोग मैक्सिमम बांग्लादेश से आए हुए हैं, इस पाकिस्तान से आए हुए हैं, आप ही त्रिपुरा में है या नहीं? तो मुख्यमंत्री खुद ने कह रही है वो भी बांग्लादेश रायट में त्रिपुरा में आना पड़ा, वो तो क्या गलत बात है? वो आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, खुद मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कब त्रिपुरा से गुजरा। তো ইসকা উপর মে মেনে কি কালকে আপনার যখন খবরটা বের হয় সোশ্যাল মিডিয়ায় যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন সব কিছু বিজেপি কা ফিল হবে, এই মেরা কনফিডেন্স। আচ্ছা ম্যাডাম, সরকারে চার বছরে কোন কোন কাজটা আপনার ভালো লেগেছে? বিজেপি সরকারে কোন কোন বাইপিপি কোন কোন কাজটা ভালো লেগেছে? সবচেয়ে মানে যে দেখা হে বিজেপি কা যে জিতনা কামে মানে আজ ভি जीता तो क्या है, मैंने वाकई बहल नहीं है, मैंने स्टडी नहीं किया है, मैंने एक सोशल पॉलिटिकल है। लेकिन जो जो देखा है, एयरपोर्ट जैसे कि महाराजा वीर विक्रम नाम से किया है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया है और वुमेन्स का जो रिजर्वेशन दिया है और कॉकब्रॉक का नाम को आगे बढ़ने के लिए त्रिपुरा का हिस्ट्री को ऑनेस्टली जो कर रही है, ये सब तो हम लोग का फर्ज बनती है ना, ये सब मुझे बहुत पसंद है। और 2014 जून से टीपीएफ फॉर्म हुआ है ना, और ये फॉर्म हुआ मोदी का विजन और आइडियोलॉजी देखकर हम लोग सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन गठन किया, ये त्रिपुरा का जो शोषण नीति है इसको हटाने के लिए। लेकिन तब मैंने पॉलिटिकल रूप से नहीं, सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ की तरफ से, इसलिए आज ये एनजीओ की तरफ से काम करते करते आज मैंने पॉलिटिकल में ज्वाइन किया। ये आज का नया नहीं है, ये कदम 2014 से शुरू हुआ है। मैडम एक दिन आपने बिप्लब कुमार देव के बांग्लादेशी बोले थे, आज के उनार हाथ धोरे आपने पताका निलेन थे बीजेपी के। यस, देखो मेरा एक डिमांड है एनआरसी, सुप्रीम कोर्ट में आज भी ऑनगोइंग प्रोसेस। तो पॉलिटिकल में जब भी कुछ भी हम लोग कुछ कह देता है, लेकिन ये पॉलिटिकल लैंग्वेज में और लीगलिटी लैंग्वेज में ये पॉलिटिकल में कभी कभी जुड़ता है और छुपता भी है। तो आज मैंने देखा त्रिपुरा में जितना भी जो चीफ मिनिस्टर हुआ इस कांदर में सबसे ऑनेस्टली जो त्रिपुरा का सार्विक जो उन्नति के लिए काम कर रहे हैं उसका हम लोग बहुत प्राउड है। तो इसलिए आज सिर्फ विप्लव जी को देखकर नहीं, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी, अमित शाह जी और हेमंत बिश्व शर्मा जी जो योजना है, भारत का जो विजन है, मिशन है, उसको हम सभी एक ही मकसद में चलना चाहिए, इसी दिशा में आज मेरे जनता पार्टी में ज्वाइन। एनआरसी जो है, एनआरसी का मेरा वक्तव्य में मैंने ऑलरेडी कह दिया, छोटा छोटा पार्टी हम लोग रीजनल पार्टी करती हूँ और वापस में झगड़ा करना और लड़ाई करना यही होता है। तो ये सुता सुता काम में हम लोग एक साथ काम करना सही और भरा उद्देश्य में हम लोग ज्वाइन करना सही। तो ये छोटा छोटा ढोल बनकर एक दूसरे लड़ना मुझे पसंद नहीं है, तो इसको मैं तिरस्कार करता हूँ और इसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। इसलिए तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, नहीं तो उनका साथ ही जुड़ सकता था ना। আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরা মাথা এবং আইএনপিটি যখন একসঙ্গে একেবারে জড়িয়ে পড়েছে তখন কিন্তু পাহাড়ের একটা বিরাট অংশ তাদের দিকে চলে গেছে। এবার